फयाज़ुद्दीन उर्फ़ अबू की मिसेस हूँ मैं। 4 दिन पहले शौहर का मेरे कत्ल कर दिया गया है। मर्डर बेरहमी से मर्डर कर दिया गया है। मेरे को 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करती हूँ कि ये रॉडी शीटर को मौत की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा। रॉडी शीटर को फांसी की सज़ा दी जाए और मेरे बच्चों को फ्यूचर के बारे में हुकूमत मदद करे। तो दिन के साथ जो सुलूक हुआ मेरे बेटे के साथ, बात बेहिसाब से है, उसको कत्ल कर दिया गया। मेरे बच्चों को, मेरे बहू की कोई जिम्मेदार नहीं है, परेशान है। इसका कौन जिम्मेदार है? चीफ मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। अल्लाह जैसे रॉडी शीटरों को अल्लाह इनको यानी सबसे पुलिस यानी इसका इंतकाम ले। हमारे MP साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा साथ दे, ये हमारे जो परेशानी है इसको दूर करे। हमसे ये गुजारिश है, अल्लाह से यही कर लूँ मैं तो। हमारे अकबर साहब, हमारे MP साहब, अल्लाह ये खूल करे इनको। ये जो दिन पहले मेरे बच्चे के साथ जो सलूक हुआ, सैयद फयाज़ुद्दीन उसका नाम है, उर्फ अबू बोलते हैं उसको। उसके 4 बच्चे है, इसकी बीवी है, बच्चे हमारे। मिनिस्टर साहब से यानी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे रोड़ी शूटरों के ऊपर यानी सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। यानी पुलिस से भी अपील कर रहा हूँ कि ये सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। मैं MP साहब से भी यानी गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ को यानी सुने और या इसको यानी पकड़ लो, इनको पकड़ के इनका यानी सख्त से सज़ा। किसी के साथ ऐसा सलूक ना हो, कोई यानी औरत ऐसा बेवा ना हो, कोई यानी बच्चे यतीम ना हो उसके। मेरी ये गुजारिश है ऐसी MP साहब से, इनको इनका खात्मा कर दो। इनका यानी रोड़ी शूटरों पर यानी पुलिस यानी बहुत हिसाब से यानी उसको सख्ती से यानी इस्तेमाल आए, इनको किया जाए। सैयद इम्तियाज़ अली, मेरा छोटा भाई सैयद फयाज़ुद्दीन उर्फ अब्बू, उसका परसों 4 दिन पहले कातिलाना हमला हुआ, उसमें उसकी जान चली गई। और उसके छोटे छोटे 4 बच्चे मासूम बच्चे हैं, वो बच्चे यतीम हो गए, उनकी बीवी जो है सो बेवा हो गई। और ये मैं हमारे CM साहब और अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस और हमारे MP साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब इन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेंगे और ये रॉडी शेटरों का जो है सो खात्मा कर दी जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। हमारे कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि क्या बोलते से पूरा रॉडीज़म ख़त्म कर दे और क्या बोलते से हर रॉडी के ऊपर जो है ना सख्ती करे। ये जो मेरे भाई के साथ जो हुआ कल के दिन, दूसरी मेरी बहन के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। मैं अपने CM साहब से और कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और क्या बोलते पूरा रॉडीज़म ख़त्म करिए। अगर पुलिस ये चीज़ अगर पहले कर चुकी होती थी तो आज ये नौबत नहीं आती थी किसी के भी ऊपर।